गसीपुरा ब्लक खलड़ास्थित सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल वार्षिक उत्सव अनुष्ठित विद्यालय सभापति विपिन बिहारी माझी सभापतित्व में आयोजित वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि भाव साईकूल पतित पावन महाविद्यालय ओएसडी राजेन्द्र कुमार राउत समाजसेवी अनंचरण स्वाई मुख्य वक्ता भाव सुहापदा आदर्श विद्यालय अध्यक्ष पीके महापात्र प्रमुख जोगदे उपस्थित अभिभावक मान छात्र छात्री प्रति से कर्तव्य संबंध में उचित दिग्दर्शन प्रदान करते मयूरभंज जिला अंतर्गत जशीपुर स्थित होटेल पद्मालय ठारे ग्रीन जेक पट इंटरनेशनल पक्षर दलय परिवर्तन दिगरे दीर्घस्थायी समाधान और शिक्षार परामर्श द्वारा जलवायु परिवर्तन गतिविधि एवं यार धारणीय समाधान आलोचनाचक्र अनुष्ठित केन्दुझर जिला अड़ती स्पोर्ट्स क्लब आनुकूल्य चारिदिन धरी अनुष्ठित सर्वभारतीय 30तम गोल्डेन कप क्रिकेट टूर्नामेंट उद्यापित हो रविवार अनुष्ठित मेगा फाइनाल मैच रे एमएमसीसी संबलपुर को हराई ईस्ट कोस्ट रेलवे खोर्धा चंपियन आख्या बजाय रखी अनुष्ठित फाइनाल मैच रे ईस्ट कोस्ट रेलवे प्रथम बैटिंग करी निर्धारित 30 ओवर रे 9 विकेट हराई 238 रन संग्रह करथिला एहार जवाब रे एमएमसीसी संबलपुर निर्धारित 30 ओवर रे 8 विकेट हराई 202 रन करी पराजित होइथिला पुरस्कार वितरण उत्सव में मुख्य अतिथि भाव समाजसेवी तथा बसंत मंजरी फाउंडेशन प्रतिष्ठाता डॉ रतिकांत बराल निमंत्रित अतिथि भाव सिने कलाकार बाबूशान महांती ओडिया सिने अभिनेत्री भूमिका खाड़िया मेटा सरपंच वृंदावन जेना अड़ती सरपंच प्रियव्रत बराल उद्योगपति बाबुली साहू जुव उद्योगी नृसिंहचरण दास प्रमुख उपस्थित रही चंपियन और रनर्सअप दल को ट्रफि सहित नगद अर्थराशि प्रदान करते आनंदपुर उपखंड शालापड़ास्थित केन्दुझर वन्यप्राणी वनखंड अधिवेशन कक्ष सभागृहठारे द्विवार्षिक साधारण अधिवेशन वन्यखंडीय संघ निर्वाचन अनुष्ठित होइजैछि। एहि सभार प्रथम अधिवेशन सभापति भाव राज्य अध्यक्ष खगेश्वर सेठी मुख्य अतिथि भाव एसीएफ उमाकांत दास मुख्य वक्ता भाव संघर सभापति अवनी जेना सम्मानित अतिथि भाव संघ कार्यकर्ता विकास कुमार भुजपति जोगदेता बेले बैठक में मूलमंत्र रही एकता ही बल समस्ते एक मन में कार्य कले समस्त काम सफल हो पार एवं सकृतिक प्रतिकूल परिस्थिति रे वन विभाग किपरि बहुमुखी कार्य करथा जंगल सुरक्षा नूतन जंगल सृष्टि वन्यजंतु सुरक्षा एवं परिवेश सुरक्षा करने सहित मनुष्य एवं वन्यजंतु मध्य घटुवा संघर्ष किपरि समाधान हो पार से संबंध में उपस्थित अतिथि आलोकपात करते हैं।